नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं न्यूज हलचल इंडिया। इंदौर नगर निगम की टीम ने बुधवार सुबह आजाद नगर थाना क्षेत्र के फिरदौस नगर में नाला किनारे अवैध रूप से बने दो निर्माणों को जेसीबी की मदद से ध्वस्त कर दिया है। निगम अधिकारी लता अग्रवाल ने बताया कि नाले के बहाव में अवरुद्ध करने वाले दो अवैध मकानों को निगम की टीम ने आजाद नगर पुलिस बल के साये में ध्वस्त किया। निगम अधिकारी ने बताया है कि शहर में नदी नाला सफाई अभियान के तहत नाले के किनारे पर बने भवनों को ध्वस्त करने की कार्रवाई जारी रहेगी। वहीं निगम द्वारा सफाई अभियान में नाला टैपिंग व अन्य तरह के कार्य भी जारी हैं। नगर निगम नंबर 18 में आजाद नगर के पास आजाद नगर जो थाना नाला है वहाँ पर दो मकान नाले के अंदर ही बना लिए थे और उसमें नाले का बहाव दिक्कत देता, नाले का बहाव संभव ही नहीं था और वो दोनों मकान जिस लेवल पे थे पहले पूरे नहीं बन पाए थे उन्हें तो हमने हटाया है अभी। और एक इसी तरह का एक चबूतरा आजाद नगर थाने के सामने वो भी इस पर बाधा हो रहा था, मैं वहाँ से उसको भी हटाया क्योंकि नाले हैं। हाँ, नाले के क्योंकि हम लोग क्या नाले का नदी नाले का तो निकाल में बहुत अच्छा काम हो रहा है और अगर नाले या पानी के प्रभाव में कहीं पर भी बहुत ही दिक्कत आएगी तो वो लोग हम लोग बताते हैं अगर अतिक्रमण करके बना रहे हैं हट जाएंगे। उसके बाद क्या नाले की सफाई और उसके साथ में अन्य जो काम है उसको भी प्रतिक्रिया प्रदान की जाएगी। हाँ हाँ, नाला सफाई चल रहा है, नाला टेपिंग के ही काम है अभी। आपको जो बाधक निर्माण है थैंक यू।